assalamu alaikum dear students today we are going to discuss about erythropoiesis erythropoiesis is a combination of two words erythro meaning red or erythrocyte and poiesis means synthesis generation so erythropoiesis kia hab it's a process of generation or synthesis or फॉर्मेशन ऑफ एरिटोप में आपको समझाया है सो so, इस प्रिमिटिव स्टेम सेल से या मल्टीपोर्टेंट हिमैटोपोटिक स्टेम सेल से फिर हमें जनरेट होती है मेचोर आरबीसी थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ डिवीज़न एंड डिफ्रेंसीशन यानी कि स्टेम सेल से लेकर मेच्योर आरबीसी तक बहुत सारे स्टेज आते हैं बहुत सारे डिविजन् आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या स्टेज हैं सो एरिथ्रोपोइसिस क्या है अब इट्स द जनरेशन ऑफ़ एरिथ्रोसाइट्स फ्राम इट्स प्रिमेटिव स्टेम सेल साइट्स ऑफ एरिथ्रोपाइसिस क्या है यानी कि एरिथ्रो एरिथ्रोपाइसिस कहाँ कहाँ पे होता है रेड सेल्स कहाँ कहाँ से बनती है जैसे कि आपने हिमाटोपाइसिस में भी देखा कि इंट्रा यूटरीन लाइफ में अलग अलग साइट है चिल्ड्रन में अलग साइट है एडल्ट्स में अलग साइट है सिमिलर इज द केस हेयर सो इन इंट्रा यूट्रीन लाइफ पहले तीन महीनों में एरिथ्रोपॉइसिस होता है यॉक सेग में ठीक है मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक आफ्टर दैट आफ्टर थ्री मंथ्स एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होगा लिवर और स्प्लीन में ठीक है और हमने हिमाटोपोइसिस में भी देखा कि फिर फोर्थ मंथ के बाद बोन मैरो में भी पार्शियली स्टार्ट हो जाता है सो so, फिर फोर्थ मंथ के बाद बोन मैरो में भी स्टार्ट होता है क्या एरिथ्रोपोइसिस और जिस जिस स्टेज में यानी कि जब लिवर और स्प्लीन में एरिथ्रोपोइसिस होता है उस स्टेज को हम कहते हैं हिपैटिक स्टेज और जब बोन मैरो में स्टार्ट होता है एरिथ्रोपोइसिस तो उस फेज को हम कहते हैं माइलॉइड फेज क्या कहते हैं माइलॉइड फेज तो चिल्ड्रन में यू you नो know कि सारी बोन्स का जो बोन मैरो होता है वहाँ से होता है एरिथ्रोपोइसिस, लेकिन फिर एडल्ट्स में क्या होता है एडल्ट्स में सिर्फ रेड बोन मैरो से एरिथ्रोपोइसिस होगी एरिथ्रोपोइसिस भी मैंने आपको हिमाटोपोइसिस में समझाया क्या होता है फॉर एग्जांपल रिब्स से स्टर्नम क्रेनियल बोन्स पेल्विक बोन्स वहाँ से सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस होगा देन स्टेज क्या क्या स्टेज है डेवलपमेंट के क्या क्या आ, कौन कौन सी स्टेज आती है मेचोर आरबीसी के प्रोसेस में सो so, इसमें बहुत सारी स्टेज आती हैं डिफरेंस डिविजन के डिफ्रेंसिएशन के सबसे पहले यू you नो know, हमारे पास क्या होती है एक मल्टीपोटेंट या प्लोरिपोर्टेंट हिमाटोपोटिक स्टेम सेल होती है हमारे पास दिस इज द स्टेम सेल दिस इज द स्टेम सेल ठीक है स्टेम सेल से हमें क्या जनरेट होती है स्टेम सेल से हमें जनरेट होती है कमिटेड सेल ठीक है कमिटेड सेल भी मैंने लास्ट टॉपिक में समझाया था जो ही कमिटेड सेल बन गई फिर ये वापस स्टेम सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है फिर इससे वापस स्टेम सेल नहीं बन सकती है जो कि स्टेम सेल की एक प्रॉपर्टी है सो स्टेम सेल से हमें मिली स्टेम सेल से हमें जनरेट हो गई कमिटेड सेल और इन दिस प्रोसेस इन एरिथ्रोपोइस जो कमिटेड सेल है दैट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ठीक है तो हिमैट्रोपायटिक स्टेम सेल कन्वर्ट हो गई किस में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से फिर हमें मिलती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डेवेलप हो जाती है इन टू एरिथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट के लेकिन तीन फेज हैं यानी कि प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट से पहले हमें मिलेगी बेजोफिलिक एरिथ्रो ब्लास्ट सब इससे पहले मैं आपको बोलूं कि प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट को नॉर्मो ब्लास्ट भी कहा जाता है ठीक है सॉरी प्रो ब्लास्ट को प्रो नॉर्मो ब्लास्ट भी कहा जाता है सो प्रो नॉर्मो ब्लास्ट से हमें मिलेगी अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट जिसको बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं और बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से हमें मिलेगी पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट जिसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है और पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से हमें मिलेगी ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट जिसको लेट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं सो दीज आर द थ्री स्टेज ऑफ नॉर्मोब्लास्ट और यू कैन से एरिथ्रोब्लास्ट तो पहले फेज में क्या होता है यानी कि बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है राइबोसोम की सिंथेसिस होती है ठीक है और फिर फेज टू में यानी कि पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है ठीक है एंड देन ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है इसमें आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाती है और लेटर स्टेज ऑफ ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है जो न्यूक्लियस इसमें अभी तक प्रेजेंट था वो इजेक्ट होता है उसकी इजेक्शन हो जाती है और हमें फिर मिलती है रेटिक्यूलोसाइट फिर रेटिक्यूलोसाइट एंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में फिर वहाँ वो मेच्योर हो जाती है इन मच्योर आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। अब जो रेटिकुलोसाइट हमें मिली कहाँ से लेट नॉर्मोब्लास्ट से ये पहले एक दो दिन बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है और उसके बाद ये फिर पेरिफेरल ब्लड ब्लड फिल्म में रिलीज़ होती है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होती है जहाँ फिर ये फिर से एक दो दिन लेती है मैच्योर होने में और हमें मिलती है मैच्योर आर लेकिन सी ही जूह ही सेल मैच्योर हो जाती है इसमें जो सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो छोटा छोटा होता जा रहा है आप नीचे इमेज में भी देख सकते हैं जो स्टेम सेल से लेकर लेट नॉर्मोब्लास्ट ब्लास्ट तक जो न्यूक्लियस है वो छोटा छोटा हो जाता है और फिर लेटर ऑन ये डिसपियर ही हो जाता है और हमने क्या देखा राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है आयरन एक्यूमोलेट होता है फिर से मैं आपको समझाऊंगी एक बार एरिथ्रोपोइसिस सबसे पहले हमें प्लोटेंट हिमैटो स्टेम सेल होती है देन वी गेट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जिसको ब्लास्ट भी कहा जाता है प्रो ब्लास्ट हमें कहाँ से मिली अब स्टेम सेल से यानी कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अब कमिटेड सेल है हमें फॉर आर बी सी तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से हमें एरिथ्रोब्लास्ट मिली जिसको नॉर्मो नॉर्मो ब्लास्ट भी कहते हैं जिसके फिर फर्दर तीन फेजेस है बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट पॉलीक्रोमेटोफ़िलिक एरिथ्रोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट. फ्रॉम ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट वी गेट रेटिकुलोसाइट एंड ये रेटिकुलोसाइट एक दो दिन लेती है बोन मैरो में मैच्योर होने को एंड देन रिलीज होती है ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम में फिर एक दिन इसको और लगता है मैच्योर होने में और वी गेट मैच्योर आरबीसी और एरिथ्रोसाइट लेकिन जू ही जू ही ये सेल मेच्योर हो जाती है आर हमें मेच्योर आरबीसी मिलती है हमने क्या देखा हमने एक तो यू कैन सी न्यूक्लियस जो है वो छोटा छोटा हो रहा है सी द न्यूक्लियस इन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एंड देन रेटिक्यूलोसाइट तक ये बिल्कुल डिसपियर हो जाता है इन बेजोफिलिकर इन दिस इमेज सी द न्यूक्लियस इन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट देन बेजोफिलिक एथ्रोब्लास्ट देन एरिथ्रोब्लास्ट एंड देन एरिथ्रोब्लास्ट ब्ला तक हमने क्या देखा जो न्यूक्लियस है वो छोटा छोटा होता जा रहा है एंड जो लेटर ऑन फिर ये डिसपियर हो जाता है और हमने क्या देखा ज्यूरिंग मेच्यूरेशन हीमोग्लोबिन एपियर होता है कहाँ पे इंटरमीडिएट नॉर्मो में एंड ये फिर फुल्ली फिल सेल करता है जब सेल फुली मैच्योर हो जाती है और उस स्टेज में क्या होता है रेटिकुलोसाइट में आरएनए पर्सिस्ट करता है रेटिकुलो आरएनए uh, आता है किसमें रेटिकुलोसाइट में जो कि मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है सो हियर वी विल सी व्हाट द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज इन सेल साइज दिस इज इनिशियली ब्लू सबसे पहले साइटोप्लाजम ब्लू होता है जो फिर लेटर ऑन रेड बनता है सी द साइटोप्लाजम इन रेटिक्यूलोसाइट एंड सी द साइटोप्लाज्म इन प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट का भी हो रहा है और क्या हमें होता है पे में देन रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन व्हाट आर वेरियस रेगुलेटर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स तो इसमें हमें नेसेसरी हार्मोन्स क्या आते हैं Uh, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटर है रेगुलेटर है दैट्स अ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी uh, से रिलीज होता है सो so, वो uh, बहुत नेसेसरी है आर बी सी मैच्योरेशन के लिए आर बी सी प्रोडक्शन के लिए वो इनक्रीज़ करता है रेट ऑफ आर बी सी मैच्योरेशन इसके अलावा जो हमारे हारमोनस हैं नेसेसरी दैट इज थायरॉइड हारमोन है टेस्टोस्ट्रोन है ये भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं इन दिस प्रोसेस इन एरिथ्रो पॉइसिस हारमोन्स के अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर एग्जांपल आयरन दैट्स एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वाइटामिन बी ट्व है फॉलिक एसिड है दीज टू आर एसेंशियल फॉर डी एन ए सिंथीसिस इन शॉर्ट लैक ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री लीड्स टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ आर बी सी सो अब इतने सारे स्टेज ऑफ डिफ्रेंसीशन के बाद हमारे पास एक मेच्योर आर बी सी होगी एंड यूनो एक मेचोर आर बी सी किस शेप की होती है दैट्स अ बाई कॉन्केव डिस्क शेप्ड जिसका डायमीटर सेवन टू एट माइक्रोन माइक्रोमीटर्स होता है अप्रोक्सीमेटली वी टेक दैट एज सेवन पॉइंट टू माइक्रोमीटर्स एंड आर बी सी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है कोई राइबोजोम नहीं होता है नो माइक्रोकॉन्ड्रिया एट ऑल एंड वी नो द लाइफ स्पैन ऑफ आर बी सी इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज एंड आफ्टर दैट जो एज्ड आर बी सीज है उनका रिमूवल होता है उनका डिस्ट्रॉक्शन होता है दैट प्रिडामेंटली ऑकर्स इन स्प्लीन By the process of phagocytosis. That was all about the erythropoiesis. Thank you, Allah Hafiz.